मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का पर्व हमारे लिए, ये स्वतंत्रता का पर्व आजादी के वीरों को याद कर करके नए संकल्पों की ऊर्जा का एक अवसर होता है। एक प्रकार से हमारे लिए ये नई प्रेरणा लेकर के आता है, नया उमंग, नया उत्साह लेकर के आता है। और इस बार तो हमारे लिए संकल्प करना बहुत आवश्यक भी है और बहुत शुभ अवसर भी है, क्योंकि अगला जब हम आजादी का पर्व मनाएंगे तब हम 75 वर्ष में प्रवेश करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए आज आने वाले 2 साल के लिए बहुत बड़े संकल्प लेकर के हमें चलना है। 130 करोड़ देशवासियों को चलना है आजादी के 75 वर्ष में जब प्रवेश करेंगे, और आजादी के 75 वर्ष जब पूर्ण होंगे हम हमारे संकल्पों की पूर्ति का एक महापर्व के रूप में उसको भी मनाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पूर्वजों ने अखंड एक निष्ठ तपस्या करके त्याग और बलिदान की उच्च भावनाओं को प्रस्थापित करते हुए हमें जिस प्रकार से आजादी दिलाई है उन्होंने न्योछावक कर दिया है। लेकिन हम ये बात न भूले कि गुलामी के इतने लंबे कालखंड में कोई भी पल ऐसा नहीं था, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था कि जब आजादी की ललक न उठी हो, आजादी की इच्छा को लेकर के किसी ने प्रयास न किया हो, जंग न किया हो, त्याग न किया हो, और एक प्रकार से जवानी जेलों में खपा दी, जीवन के सारे सपनों को फांसी के फंदों को चूम करके आहूत कर दिया। ऐसे वीरों को नमन करते हुए, और फिर एक तरफ सशस्त्र क्रांति का दौर, दूसरी तरफ जन आंदोलन का दौर, पूज्य बापू के नेतृत्व में राष्ट्र जागरण के साथ जन आंदोलन की एक धारा ने आजादी के आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी और हम आजादी के पर्व को आज मना पा रहे हैं। इस आजादी के जंग में भारत की आत्मा को कुचलने के भी निरंतर प्रयास हुए हैं, अनगिनत प्रयास हुए हैं। भारत को अपनी संस्कृति, परंपरा, रीत रिवाज, इन सब से उखाड़ फेंकने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। वो कालखंड था, सैकड़ों सालों का कालखंड था, शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपने चरम पर था। और कुछ लोग तो ये मान के चलते थे कि हम तो यावत चंद्र दिवा करो यहां पर राज करने के लिए आए हैं। लेकिन आजादी की ललक ने उनके सारे मंसूबों को जमीन दोस्त कर दिया। उनकी सोच थी कि इतना बड़ा विशाल देश, अनेक राजे रजवाड़े, भांति भांति की बोलियां, पहनवेश, खान पान, अनेक भाषाएं, इतनी विविधताओं के कारण बिखरा हुआ देश कभी एक होकर के आजादी का जंग लड़ नहीं सकता है। लेकिन इस देश की प्राण शक्ति वो पहचान नहीं पाए। अंतर्भूत जो प्राण शक्ति है, एकता का सूत्र जो हमें सबको बांध करके रखा हुआ है, उसने आजादी के उस पर्व में पूरी ताकत के साथ जब वो मैदान में आया तो देश आजादी के जंग में विजयी हुआ। हम ये भी जानते हैं कि वो कालखंड था, विस्तारवाद की सोच वालों ने दुनिया में जहां भी फैल सकते के फैलने का प्रयास किया, अपने झंडे गाड़ने की कोशिश की। लेकिन भारत का आजादी का आंदोलन
दुनिया के अंदर भी एक प्रेरणा का कुंज बन गया, दिव्य स्तंभ बन गया और दुनिया में भी आजादी की ललक जगी। और जो लोग विस्तारवाद के अंधी दौड़ में लगे हुए थे, अपने झंडे गाड़ने में लगे थे, उन्होंने अपने इस मनसूबों को, विस्तारवाद के मनसूबों को पार करने के लिए दुनिया को दो महाविश्व युद्ध में झोंक दिया है।